इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 9 अपॉर्चुनिटीज, 7 स्टॉक्स और 2 इंडेक्स। मेरे पीछे आपको निफ्टी का चार्ट दिखेगा। अब लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 500 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है, उससे ज्यादा मूव नहीं आएगी। और उसी तरह मार्केट ने भी हमें मूव दिखाई है, जो पहले दो दिन थे मार्केट के उसमें हमें एक अप मूव, गैप अप और उसके बाद एक अप मूव देखने को मिली। और जैसे ही निफ्टी 10,100 लेवल के आसपास पहुंच चुका है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक नैरो रेंज में निफ्टी हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। तो अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, अब नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं। तो आप ये चार्ट पे स्टडी वैसे का वैसा इंटैक्ट है, आप देख सकते हैं इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनता है वो 10,193 और 10,327 ये लेवल्स पे। तो ये कौन से लेवल्स हैं, तो ये पिछले 3 दिनों में जो मार्केट ने टॉप किया है, निफ्टी ने जो हाई बनाया हुआ है उसका एक रेजिस्टेंस है 10,193। और 10,327 जो है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे गैप डाउन निफ्टी ने दिया हुआ था, तो इसका एक रेजिस्टेंस है 10,327। तो मुझे लगता है 10,193 आपने वॉच करना जरूरी है फॉर द नेक्स्ट वीक। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी शायद एक छोटे से रेंज में ट्रेड करेगा। 10,193 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा और नीचे में 9,930 ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने प्लॉट की है, यहाँ पे एक टॉप बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है। पीछे भी जाते हैं तो ये कैंडल का यहाँ पे एक क्लोज है, तो ये एक 9,930 का लेवल है। तो ये दो लेवल्स के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा। सो 9,930 और ऊपर में 10,193, ऐसा एक 200-300 पॉइंट का निफ्टी के लिए रेंज होगा फॉर द नेक्स्ट वीक। और ध्यान रखिए निफ्टी मूव नहीं करेगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बढ़िया सी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये स्टडी वैसे का वैसे इंटैक्ट है, आपको दिखेगा रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, लास्ट वीक एक बढ़िया सी मूव देखने को मिली। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये दो जो मैंने रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट की हैं, ये रेजिस्टेंस बनती है। तो ये स्टार्ट होता है 21,000 से 21,192, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है कि जो वॉच करना जरूरी है फॉर द नेक्स्ट वीक। 21,000 से लेके 21,984 यानी करीबन 22,000 तक बैंक निफ्टी बढ़ सकता है इसमें ताकत। नीचे में सपोर्ट 20,200 तक का है, सो 20,000 से लेके 22,000 का एक रेंज बनेगा 2000 पॉइंट का अगले मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्तों के लिए। ये 2000 पॉइंट का रेंज आपने वॉच करना जरूरी है। इमीडिएट 21,192 का लेवल वॉच कीजिए, इसके ऊपर चलता है तो ये बढ़िया सी मूव देगा। मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं और एक बाउंस बैक आ सकता है। और ध्यान रखिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर में चलता है तो निफ्टी भी हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा। और ये 22,000 का जो लेवल है 21,984 से लेके 22,000 का, ये जब कब ब्रेक होगा तब एक बढ़िया सी मूव उसके आगे तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ निफ्टी भी हमें एक बढ़िया सी अप मूव देगा। तो फिलहाल फॉर द नेक्स्ट वीक 21,192 ये इमीडिएट वॉच करना है और नीचे में सपोर्ट 20,200 का वॉच करना है। ये दो लेवल्स के बीच में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो एक नैरो ट्रेड मिलेगा हमें इंट्राडे में फॉर द डे। जब कब ये ब्रेक होगा उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको लॉन्ग साइड पे, या अगर 20,200 नीचे में ब्रेक होता है तो शॉर्ट साइड पे पोजिशन बनाने के लिए। अब मेरे पीछे आपको ACC का नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट दिखेगा, इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। ये स्टॉक आपने वॉच करना नेक्स्ट वीक के लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं ये डाउन ट्रेंड हुआ, इसके बाद बाउंस बैक देखने को मिला। अब मिड अप्रैल से जून एंड तक स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड करते रहा, 1100 से लेके 1250 तक का ये रेंज था। उसके बाद यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट मिला, ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद पिछले 7-8 दिनों से ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये जो लेवल है 1245 का,
ये अब स्टॉक के लिए बनता है सपोर्ट। तो ये एक पॉजिटिव है कि स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो रेंज था ये रेंज अब स्टॉक ने चेंज कर दिया और ऊपर की तरफ इस लेवल को ले जा चुका है। अब ऊपर में अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते में ये 1295 का स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस भी बनाया, तो ये रेजिस्टेंस पे अटका है स्टॉक। आपने राह देखनी है ये 1295 लेवल ब्रेक होने की। ये जब कब ब्रेक होगा इसके ऊपर 1350 और 1400 का इसमें टारगेट बनेगा। सो 1295 का लेवल वॉच कीजिए, ये जब कब ऊपर ब्रेक होगा तब एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस बिना भूले रखना है, स्टॉप लॉस आपका दोस्त होता है, आपका रिस्क वो लिमिट करता है, ये ध्यान में रखिए। 1245 जब तक होल्ड करता है तब तक ये स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। 1245 अगर ब्रेक होता है तो ही खराब होने वाला है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक देखिए, ये है एसीसी, एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है 1295 ब्रेक होने के बाद आपके लिए। हमारा अगला स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली, इसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में से गुजर रहा है। ये 153 से लेके 158 का इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में ये कितनी बार ये लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अब आप देखो, अगर ये कंटिन्यूस ये पिछले 3 महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो अभी एक हफ्ते से ये स्टॉक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप कभी आगे जाते हुए कभी भी ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो ये लेवल आप वॉच कीजिए 153 से 158, ये जब कब ब्रेक होगा तब एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ध्यान में रखिए। पहले ये इंट्राडे ट्रेड में अपॉर्चुनिटी देगा, तो 5 मिनट के चार्ट पे इसे मॉनिटर कीजिए। मेरे तरफ से तो आपको व्हाट्सएप पे अपडेट आ ही जाएगा जब कब ये ब्रेक करेगा, लेकिन अगर मिस होता है तो आप भी ध्यान रखिए इस पे। ये 153 और 158 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक में हमें 180 से लेके 190 तक की मूव देखने को मिल सकती है, इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है। ये है अडानी एंटरप्राइजेस फॉर द नेक्स्ट वीक। हमारा अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। ये भारती का नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट है, ये स्टॉक तो आप मिस ही नहीं कर सकते। इस पे मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मल्टी ईयर मल्टी टॉप ब्रेकआउट, और ये भारती का एग्जाम्पल है, उसमें लेटेस्ट केस है। आप जरूर देखिए, मिस किया हो तो उस वीडियो का लिंक अब यहां पे आ जाएगा। तो ये चार्ट और ये स्टॉक आपने मिस नहीं करना है। ये तीन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट की है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है फ्यूचर्स के चार्ट पे, 530, 575 और 610। अब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है। आप अगर 3 महीने का चार्ट देखो तो आपको दिखिएगा किस तरीके से ये एक बढ़िया सी अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब करंट जो बॉटम बनाया हुआ है 540, 550 के करीब, वो भी एक हायर बॉटम बनता है। अब ये स्टॉक ऊपर चलेगा तो 610 का इसमें एक रेजिस्टेंस है। 610 ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड करेगा, यानी एक लो रेजिस्टेंस रेंज में ट्रेड करेगा। और ये ब्रेकआउट कब होने वाला है तो ये एक 12 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट बनेगा। तो पहला जो ब्रेकआउट है वो आपको डेली चार्ट पे दिखेगा, उसके बाद मंथली पे भी इसका कंफर्मेशन लेना जरूरी है। आप अगर एफएनओ ट्रेड करते हैं या आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में इंटरेस्ट है तो ये डेली चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप डेली से स्टार्ट कर सकते हैं और मंथली पे कंफर्मेशन लेके आपकी पोजीशन और आगे ले जा सकते हैं। तो 610 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो नेक्स्ट वीक के लिए हमें वॉच करना जरूरी है। ये ब्रेक होता है तो उसके बाद एक बढ़िया मूव इसमें देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में, प्लस मंथली क्लोजिंग पे कंफर्मेशन लेने के बाद अगर ये लेवल पे, अगर ये ऑल टाइम हाई के नजदीक अगर ये ट्रेड होता है, क्लोज होता है मंथली क्लोजिंग पे, तो एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो ये स्टॉक बिना भूले आपके रडार पे रखिए, और एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक बढ़िया सा ट्रेड लीजिए। अगला जो स्टॉक जिस पे आपने ध्यान देना जरूरी है वो है बायोकॉन। बायोकॉन का 30 अप्रैल का आप एनालिसिस कीजिए,
वो एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रिसीजन असिस्ट जो है ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ये प्रिसीजन असिस्ट में उसका एनालिसिस आपको रेडीमेड मिल जाएगा। 30 अप्रैल का इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो वो आप जरूर देखिए। अब ये जो चार्ट हम देख रहे हैं वो एक डेली चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है, तो शॉर्ट टर्म चार्ट है ये। अब यहाँ पे 360 और 370 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक के लिए, जो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड होता है तब तक ये लेवल अब बन जाता है सपोर्ट। सो 360 और 370 का इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड होता है, पहली बात तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये एक पॉजिटिव है। प्लस जब तक 370-360 के ऊपर ये ट्रेड होता है तब तक ये अप ट्रेंड में ट्रेड करेगा। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक बॉटम बनाने के बाद ऊपर चला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक हायर बॉटम बनाया, एक नया टॉप भी बना चुका है, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। प्लस ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब क्या है, तो एक लो रेजिस्टेंस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 30 अप्रैल का एनालिसिस जरूर चेक कीजिए प्रिसीजन असिस्ट में, ताकि आपको एक इसका इस पे ब्रॉडर व्यू मिल जाए। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए ये लेवल ध्यान में रखिए, इसके ऊपर लॉन्ग रहना जरूरी है। आपका जो स्टॉप लॉस है 360 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ध्यान रखिए कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद को पूछिए कि ये रिस्क मैं ले सकता हूं क्या। अगर आप ले सकते हो रिस्क तो ही ट्रेड बनाना है, अगर रिस्क ले नहीं सकते तो यहाँ पे जादू नहीं होती, आपने ट्रेड नहीं लेना है। रिस्क ले सकते हैं तो ट्रेड लेना है, रिस्क नहीं ले सकते तो ट्रेड नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए, ये आपकी मदद करेगा। तो ये है बायोकॉन फॉर द नेक्स्ट वीक। अब ये है एलएनटी का चार्ट, लार्सन एंड टुब्रो। आप देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरीके से एक रेजिस्टेंस के नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो ये पिछले 2-3 महीनों का जो एक रेंज बनाया हुआ था तो रेंज के ऊपर की तरफ वाला जो रेजिस्टेंस वाला जो बैंड है वहां ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो 945-976 की ये एक रेजिस्टेंस बैंड बनता है स्टॉक में, ये नेक्स्ट वीक के लिए वॉच कीजिए। नीचे में 929 और 914 का एक सपोर्ट भी बनता है, तो ये छोटे से रेंज में 50-60 रुपए के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा। जब कब ये ब्रेकआउट देगा तब एक अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, इसलिए ये लेवल्स ध्यान में रखिए, लिख के लीजिए, अलर्ट लगाइए, और ये जब कब ब्रेक होंगी तब इसमें एक पोजीशन जरूर बनाइए। 976 जब कब ब्रेक करेगा तो उसके बाद 1050 से लेके 1100 तक का इसमें टारगेट भी बनेगा, तो ये लेवल्स ध्यान दीजिए। पहला ब्रेकआउट इंट्राडे में आएगा, तो इंट्राडे में वॉच करना जरूरी है। आप अगर पोजीशन ट्रेडर हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप कंफर्मेशन लीजिए और उसके बाद एक पोजीशन बनाइए। सो 945-976 ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस और नीचे में 929-914 नीचे की तरफ के सपोर्ट्स, ये है एलएनटी फॉर द नेक्स्ट वीक। अगला जो स्टॉक है वो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, ये है एसआर ट्रांसफिन। अब एसआर ट्रांसफिन आप देखो तो ये 598, 596, 525 ये नीचे में सपोर्ट बनते हैं स्टॉक के लिए, और ऊपर में 642, 722, 800, 810 ये रेजिस्टेंस बनते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए जो इमीडिएट लेवल्स आपने वॉच करनी है वो यहाँ पे 598, 596 का इमीडिएट सपोर्ट आपने मॉनिटर करना जरूरी है, और ऊपर में 642 का रेजिस्टेंस मॉनिटर करना जरूरी है। 642 अगर ऊपर में ब्रेक करेगा तो हमें 720 से लेके 800 तक का इसमें मूव देखने को मिल सकता है, तो ये इंट्राडे में ये लेवल वॉच कीजिए 642 का। जब कब ब्रेक देगा तब एक अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको लॉन्ग ट्रेड बनाने के लिए। अब आप देखो तो पिछले 3 महीने से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी होती है स्विंग ट्रेडर के लिए, तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट हो तो ऐसे स्टॉक्स आपने ढूंढने चाहिए जो लेवल्स के बीच में ट्रेड करते हैं। आपको अगर नहीं मिलते तो ये वीडियो देखिए, ये वीडियो में वो स्टॉक्स मैं डिस्कस करता हूँ और लेवल्स भी देता हूँ। तो पिछले कुछ अगर आप वीडियोस देखो तो ये स्टॉक हमने डिस्कस किया हुआ था, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टॉक सपोर्ट पे आके फिर से एक बार बाउंस बैक कर चुका है। तो जब कब सपोर्ट पे आता है तब एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जब कब रेजिस्टेंस की तरफ जाता है स्क्वेयर ऑफ कीजिए, या अगर आप शॉर्ट करते हो तो उसके ऊपर आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान दीजिए फॉर द नेक्स्ट वीक। 642 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 598 और 596
ये इमीडिएट सपोर्ट है, ये लेवल्स जब तक ब्रेक होते हैं तब एक पोजीशन बनाइए और एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए। अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सन फार्मा। ये एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो आपने ध्यान देना जरूरी है, बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आगे जाते हुए। 504 से लेके 512 ये रेजिस्टेंस बनता है, ये जो दो रेड कलर के हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने प्लॉट की है। ये रेजिस्टेंस जब कब ब्रेक होगा तब इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, इंट्राडे पोजिशनल इन्वेस्टमेंट तीनों के लिए। तो ये लेवल वॉच कीजिए, 504 से लेके 512 का रेजिस्टेंस बैंड है, ये जब कब ब्रेक होगा तब अपॉर्चुनिटी है। नीचे की तरफ 486 की एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। तो ये ब्लैक कलर की जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है, आपके मशीन पे चार्ट ओपन कीजिए और वीकली पे ये 486 की लेवल प्लॉट कीजिए, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट सी लेवल है। तो ये लेवल जब तक ये स्टॉक 486 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बायस बुलिश रहेगा, लेकिन अपमूव कब आएगी, 512 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। तो ये लेवल वॉच कीजिए और अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी को जरूर पकड़िए। उसके बाद की जो मूव होगी वो 520 से लेके 600 तक की हमें देखने को मिल सकती है। ये है सन फार्मा फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आज इस वीडियो में हमने 7 अपॉर्चुनिटीज प्लस 2 इंडेक्स, ऐसी टोटल 9 अपॉर्चुनिटीज हमने डिस्कस की है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए मॉनिटर कीजिए। इसके ऊपर भी अपॉर्चुनिटीज है कि जो आपको ये जो प्रिसीजन असिस्ट का जो टैब है इसके अंदर आपको मिलने वाली है स्पेशल वाली। तो ये आप प्रिसीजन असिस्ट के टैब पे जाइए और उन्हें डाउनलोड कीजिए और वो अपॉर्चुनिटीज भी आप पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कुछ भी क्वेरी हो तो इमीडिएट व्हाट्सएप कीजिए, वो क्वेरी मन में मत रखिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है? नहीं है तो नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर पे मिस कॉल दीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात कीजिए और नंबर आपका ब्रॉडकास्ट में ऐड करा लीजिए, बेनिफिट मिस ना करें। ये एक हैंड होल्डिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, नए अपॉर्चुनिटीज, आपकी क्वेरीज सारी सॉल्व आप सीधे मेरे साथ कर सकते हैं।